Hey guys, welcome back to my channel. It's Abhijit Patil and watching Explore and Food. आज का स्पेशल होगा गवली देवी. यस, बाय द वे बारिश हो रहा है, बहुत जोर जोर से हो रहा है और वही मज़ा लेना है अपने को. आज थोड़ी देर में निकलते हैं इधर से, रेनकोट वगैरह हेलमेट वगैरह पहन के, फिर बताऊंगा आपको इधर से कैसे जाना है. और यस, बाय द वे ये जर्नी में स्टार्ट करने वाला हूँ कोपर सेना स्टेशन से. यस, कोपर सेना स्टेशन से. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सफ़र. शुरू करते हैं कोपर कैना स्टेशन से और ये टनल बंद. अभी लेना पड़ेगा लॉन्ग रूट जो आपको मैं दिखा देता हूँ. टनल रहती तो शॉर्टकट रहता था जो बीच में से ही निकल जाते थे. अभी थोड़ा सा घूम के, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, फिर सिग्नल पे रुक के एज यूजुअल सब आपको राउंड घूम के टनल से फिर आपको जाके मिलता है ब्रिज. उसको क्रॉस करने के बाद MIDC एरिया चालू होता है जिधर है गवली देवी. यस, इधर है गवली देवी. ये पेट्रोल पंप का आगे वाला जो टन है वो याद रखना, वही इम्पोर्टेंट टर्न है. उसके बाद तो आपको सामने हमने दिख जाएगा. आगे जाते ही आगे जियो गार्डन लगेगा, फिर और थोड़ा आगे जाते ही राइट साइड में आपको गवली देवी दिखेगी जो दिस वन. अभी जो पार्किंग आएगा राइट साइड में दोस्त, जिस को दिखा देता हूँ. गाड़ी रुकने वाली है वैसे भी. हाँ, पर इधर जाते हो याद रखना आपको ऑलमोस्ट 200 यार्ड्स आगे जाके आपको मिलेगा यू टर्न. तो चलिए शुरुआत करते हैं स्नान करके. ये झरना स्टार्टिंग में ही आपको दिखेगा. एक्चुअल में आप समर सीजन में आओगे तो ये झरने से आपको आगे जाने की रास्ता मिलेगा, पर बारिश सीजन में आते हो तो आपको झरने के साइड से ऊपर जाने के लिए दिख जाएगा जो पहला झरना था. अभी उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है ताकि पानी सब वहाँ से जाए. आगे आप जैसे दिखोगे आपको मुंबई पुलिस की वार्निंग दिखेगी जो कि है पानी में नहीं जाना. साइड में आपको वॉशरूम मिलेंगे स्टार्टिंग में, बाद में आपको वॉशरूम नहीं दिखेंगे. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे स्टार्टिंग में आपको स्टेप्स दिखेंगे, बीच बीच में स्टेप्स दिखेंगे, बाद में स्टेप्स भी नहीं दिखेंगे. इस माई सिस्टर थोड़ा चढ़ने दो, थोड़ा चढ़ने दो, आराम आराम से धीरे धीरे से चढ़ना चाहिए ताकि आपका पैर स्लिप ना हो और आपको उस सिचुएशन में ना चोट लगे. जगह जगह पर आपको छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग मिलेंगे लाइक दिस, ठीक है. आपको वाटर में से ही जाना है. ऐसे बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स रहेंगे बीच बीच में जिन्हें आपको पार करके जाना है. यस, द बाटा शूज. यस, बाटा शूज, वाटर प्रूफ शूज, वो तो आपको आगे भी दिखेंगे, बार बार दिखाऊंगा. नहीं यार, ये स्पॉन्सर नहीं है. थोड़ी सी ट्रेकिंग हार्ड है पर इजी भी उतनी है. सिर्फ ध्यान रखना जो भी आपके साथ में हो. अगर नॉर्मली ट्रैक करते हो तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आता है, पर बारिश के टाइम जब भी आप ट्रैक करते हो तो प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है कि आपका पैर स्लिप ना हो. ये दो रूट्स है, एक वाटरफॉल की तरफ जाता है और दूसरा टॉप की तरफ जाता है. हम पहला जाएंगे टॉप की तरफ, दिस वॉज वाटरफॉल, ये अभी हम टॉप की तरफ जाएंगे. यस, इज वाटरफॉल, थोड़ा ऊपर जाके भी मजा लेते.
लैपटॉप से जियो कंपनी का सीन्स दिखते हैं, हेलीपैड्स दिखते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको ऊपर से दिखेंगे। लॉट्स ऑफ थिंग बोला था ना, थोड़ा चलना पड़ेगा पर आराम आराम से। वन क्रैप उसके साथ मस्ती कर रहा था, इधर से पकड़ो नहीं उधर से, रुक पकड़ दो, रुक रुक रुक, और इधर से उधर वो भाग रहा था। बाद में उसको मालूम पड़ा नहीं भाई ये कुछ नहीं करने वाला, थोड़े से स्टीप कॉर्नर्स भी है जिनमें स्टेप्स नहीं है, स्लिप खाली रॉक है, थोड़े से पैच है जिधर आप पैर रख सकते हो, तो मेक श्योर आप जा रहे हो तो अच्छे से जाना। दिस इज़ द वे, ये ऐसा कुछ टॉप पे रहता है जो बहुत स्लिपरी रहता है, अगर आप इधर से स्लिप हुए तो सीधा नीचे, तो नो बीच में स्टॉपिंग, सीधा स्ट्रेट बीच में से चल के जाना है, ना मस्ती करना है ऐसे रूट पे, ठीक है। तो पहुँचने के बाद थोड़ा पानी में मज़ा तो लेना चाहिए ना, तो मैं मज़े करता हूँ तब तक, तो लगा टाइम देखिए कैसा है। तो चलो नीचे उतरते हैं, थोड़े वाटरफॉल भी दिखाता हूँ आपको अच्छे से, देखिए वाटरफॉल। दिन इधर ही खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट्स साबिती पाटिल एंड यू वॉचिंग एक्सप्लोर स्टोरी। प्लीज लाइक करना, शेयर करना, एंड यस किसी को जरूरत हो, यस मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाय, और इधर आप ऊपर वॉशरूम यूज कर सकते हो इधर आ रहे हो तो, एंड यस जस्ट अम्ब्रेला है, कॉफी यस बनता है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।